जो कुंडली मारे बैठी, मजदूरों का पैसा पे कुंडली मारे बैठी आती है, मजदूरों का पैसा ही मजदूरों को नहीं। हमने मोदी की गारंटी झूठी गारंटी है, मोदी की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, जो आपने अपनी बात सुन कर रहा है उसकी बात का क्या भरोसा करना है। हमेशा पेंशन 961 रुपया पेंशन 961 रुपया और मोदी जी कह रहे हैं 1000 कर दो, 1000 कर दो। ये तो ठीक बात है क्या? 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति, ये अभी से दिन का धरना नहीं चल रहा है, धरना चलते चलते काफी समय हो गया है। यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार आप तस्वीर दिखाएं कि यहाँ पर लोगों की तादाद तो बढ़ रही है लेकिन इनके धरने का कुछ हल नहीं निकल रहा है। सरकार से बात होती है लेकिन सरकार अभी तक उस बातों का हल नहीं निकाल पाई है और उसी का ही आक्रोश है, जन आक्रोश है कि आज इतने बड़े पैमाने पर लोग बैठे हुए। आज आपको बताते चले कि जो इन्हें अभी तक के पांच सात साल की जिंदगी जो पेंशन मिल रही है, हम स्वाभिमान से जिए, कौन सा भाग मिल रहा है ये अभी तक समझा नहीं जा सकता। ये चाहते हैं हम, 10 से 12 लोगों का परिवार है और खाते में आते हैं मात्र 600 हम चाहते हैं आपका 10,000 रुपए दे दो, हम टी-शर्ट में रह लेंगे, क्या कुछ है पूरा मुद्दा लगाएंगे, से बात करेंगे लेकिन लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक हो रही है, बातचीत चल रही है लेकिन असर अभी तक धरातल पर कुछ नहीं दिख रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? लालचंद। हम मथुरा मथुरा पैसा मांग रहे हैं, क्या समस्या है, क्या मुद्दा है? फुकट में ले रहे हैं भैया, समस्या फुकट में ले रहे हैं। 961 रुपया पैसा, 961 रुपया और मोदी जी कह रहे हैं 1000 कर दो, 1000 कहाँ से कर दिया? सर क्या रहे हैं, फैक्ट्री बंद होगी जब तक 961 हुआ है नहीं हुआ है। तो ये ईपीएस क्या है? हुआ है भाई, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को है। अच्छा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कर्मचारियों का जो भविष्य निधि संगठन में पैसा जमा, कितना जमा है बल्कि इनके पास? अभी हम 9 लाख करोड़ रुपया जमा, 9 लाख करोड़ रुपया पार्टी के नहीं है, 9 लाख करोड़ रुपया जमा। और आप कितना राहत की भावना से भी करें ना, 961 रुपया कितने लोगों का परिवार है? 12 आदमी को बराबर नाते पोते समय नाती पोते समेत 12 लोगों का परिवार है और खाते में 900 रुपए आए। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि खाते में 1000 रुपए तक के आए, 1000 रुपए का और 961 रुपए खाते में आ रहे उसी दिन से 11 साल से बुढ़िया के बीपी बढ़ रहे और बाकी गोली की पूर्ति कर रहे, घोटू में दर्द रहे कहाँ के दाम है बालक जो है बालक है अभी क्यों देंगे, अब पैसा मिले ना क्या करे। क्या लग रहा है कि सरकार से गुहार जो लगा रहे सुनेंगी सरकार? सरकार सुनने तो चाहिए, हमको भी शर्म नहीं, सरकार को सुनना चाहिए, अपने पैसा ही तो मांग रहे, सरकार से कुछ नहीं मांग रहे, अपना पैसा मांग रहे। फिर क्यों सरकार इतना विलंब कर रही है पैसा देने में? पता नहीं क्यों कुंडली मारे बैठी, मजदूरों का पैसा पे कुंडली मारे बैठी आती है, मजदूरों का पैसा ही मजदूरों को नहीं दे रहे। कितने समय से धरना चल रहा है? परिणाम ये हुआ 9-10 साल से धरना ही कर रहे हैं, चलते रहे। ऑफिस से फोन आया, बार बार होते रहता है, कभी रामलीला मैदान में करते हैं, कभी यहाँ करते हैं, अपने आप हल निकलेगा मिलेगा उम्मीद तो है, उम्मीद लगा ही है सरकार सुनेगी। कोशिश की, कई सांसद आए आज, अभी कई सांसद आए थे, आश्वासन दे गए और उन्होंने, मैं था वीरेंद्र, ये आश्वासन कब से मिल रहा है? गुजरात के आश्वासन तो मोदी जी ने भी दे रखा है, प्रधानमंत्री से बात हुई आप लोगों? दो बार मुलाकात हुई, दो बार मुलाकात हुई है। मैं जानता हूँ पहले जिन लोगों ने कुछ भरा, मंत्री ने आश्वासन दिया आपका काम हो गया, पता नहीं आपको पेंशन मिलनी चाहिए, सब विचार के हम लोग आश्वासन देता है करता, और मैं आपके आश्वासन मिलता रहता है लेकिन हल जो है वो नहीं। मैंने बोला सर ये 4 मंत्री हो गए, अब चौथे करता कुछ नहीं है, आप चौथे लेबर मिनिस्टर है। कितना आपके खाते में आया पैसा? अभी हम 4 महीने की यही बातें सुनते आए, 174 अभी हमारा एक ही मकसद है, 1750 रुपए ये सूर्य। अच्छा, किसी के में 900 आ रहा है, किसी में 800, किसी में 1750, ये क्या देने का तरीका है? के इलेक्शन से हमारा काम पहले होता है, जो पर डिपेंड करता है काम करेंगे। तो फिर यहाँ पर किस किन मांगों को लेकर के बैठे करने में समर्थ है? मिनिमम 7,500 रुपए पेंशन प्लस डीए प्लस मेडिकल फैसिलिटी, उसके लिए ये 8 साल से संघर्ष चल रहा है। हाँ, दो बार मोदी जी 2020 और 2021 में अपने पीएमओ में बुला के गारंटी दे चुके थे, बट अभी तक उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने मोदी की गारंटी झूठी गारंटी है, मोदी की कोई गारंटी नहीं है।
ठीक है, जो आदमी अपनी बात शुरू कर रहा है उसकी बात का क्या भरोसा करना है। उन्होंने कहा, वैसे तो कहता है कि हम, मैं सब गरीब के बारे में सोचता हूँ, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो आप सामाजिक पेंशन के अंदर जो है लोगों को डेढ़ डेढ़ दो दो हजार रुपए दे रहे हो, जो कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, और हम इतने साल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हमारा इतना पैसा जमा है, और आप हमें जो है हजार रुपए पेंशन दे रहे हो। आप हमारे मंत्री हैं, पैसे कहा जाए, मोदी जी की गारंटी है, झूठी गारंटी है, झूठी गारंटी है। उन्होंने बोला मैं 884 रुपए इसमें आई है पेंशन, अभी अभी देखिए कितने जनों का परिवार है काका आपका, जो कहना चाहते हैं नौ लोगों का, देखिए नौ जनों का परिवार है, पूरी उम्र जो है ईपीएस में निकाल दी है, और आपको दिखाना चाहूंगी, देखिए 844 रुपए खाते में आए हैं, ठीक है, लेकिन और किसी के में 961 रुपए खाते में आए, जो आप साफ तौर पर देख पा रहे हो। लेकिन हैरानी इसी बात की है कि प्रधानमंत्री से लगातार मुलाकात हो रही है, और मुलाकात होने के बाद भी चीजें जो है वैसे की दस की दस बनी हुई है। फिर उसके बाद आज अभी जब अपनी सभा चल रही थी, रहती हूँ और लगातार इस प्रोटेस्ट को भी कवर करती आई हूँ, लेकिन मैं लगातार ये चीजें देख रही हूँ कि 3 से 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जंतर मंतर पर इन सारे समिति के लोगों को धरना करते हुए, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। आश्वासन मिलता है, मुलाकातें होती हैं, बैठकें होती हैं, लेकिन जब धरातल कर की बात आती है तो यहाँ पर वो तमाम आपको मायूस चेहरे दिख जाएंगे, जो मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी, जो अपना घर पैदा छोड़ करके यहाँ पर केवल इंसाफ के लिए और खुद के पैसे मांगने के लिए, अपना हक मांगने के लिए बैठे हैं, लेकिन ना तो सरकार इस बात का सुध ले रही है, ना कोई किसी चीज का सुध ले रहा है। अब देखना यही होगा कि ऐसी कौन सारी चीजें जो है खुल करके सामने आएगी।